दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो फेसबुक पर खूब ट्रेंड कर रहा है। आगे हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैंने एक वीडियो देखा जो कि काफी पॉपुलर क्रिएटर का था और उस वीडियो पर 1 मिलियन प्लस लाइक्स थे, लेकिन वो वीडियो जो लेसन दे रही थी वो मेरी समझ के तो बिल्कुल परे था। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं रेडी हूँ, चाट खाने चले? कोई चाट वाट नहीं, जाके अपना अंदर काम करो। क्यों? बुर्का कहाँ है तुम्हारा? गली के नुक्कड़ पे तो जाना है। बुर्का नहीं, कोई चाट नहीं। क्या छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हो? अगर पर्दा इतनी छोटी बात होती तो खुदा इतनी बड़ी किताब में उसका जिक्र नहीं करता। ये वीडियो आप सबने देख ली और ये वीडियो जो लेसन दे रही है, आई एम श्योर वो सब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप इन जनाब की आईडी देख सकते हो, इनकी आईडी पर टिपिकल मुस्लिम कंटेंट होता है जो कि पूरी तरह अपने धर्म का सपोर्ट करता है, अपने धर्म की अच्छी नीतियाँ बुरी नीतियाँ हर नीति को बढ़ावा देता है। और इनके फॉलोअर्स देख सकते हैं, ये काफी पॉपुलर क्रिएटर है अपने आप में ही। देखने के बाद बड़ा दुख हुआ कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो हिजाब जैसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका विरोध उनके खुद के धर्म की महिलाएं करती हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे भाई, अगर अभी तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो उसे शेयर किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे धर्म में अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए तो वो राम राम बोलने पर भी शर्म करने लगता है। ये कितने शर्म की बात है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म सिर्फ औरतों को दिया है, वो भी इस्लाम को मानने वालों के लिए, ना के गैरों के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को गैर मुस्लिम अपने ऊपर बिल्कुल ना ले। वो चाहे तो पर्दा करे या ना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, इसलिए कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद गलत कमेंट बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ना कि गैरों के लिए। आप आपके मजहब में जो करना है करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं।